नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। मैं अनिशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं 5 राज्यों की बड़ी खबरें। नाबालिग प्रेमी जोड़े ने रविवार को धनास स्थित बोटेनिकल गार्डन में जहरीला पदार्थ निगल लिया। दोनों सेक्टर 37 के स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। दोगुनी रेट पर खरीदे जिम उपकरण, एमसीयू अफसरों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी में सीबीआई। 2016 से लेकर 2018 तक शहर के कम्युनिटी सेंटरों में बने जिम में जो एक्सरसाइज करने के उपकरण लगे हैं उसमें सीबीआई को अभी तक की जांच में गड़बड़ी मिली है। हिसार एयरपोर्ट पर 100 कैडेट पायलटों को मिलेगा प्रशिक्षण। शुरू होगी एयर शटल सर्विस। इसके लिए स्पाइसजेट लिमिटेड हवाई अड्डे पर बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकारी बैंकों के तृष्णी किसानों का ब्याज व जुर्माने की 4,750 करोड़ रुपए की राशि माफ करने की घोषणा की है। जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन 187 दिन बाद एक बार फिर आसमान में नजर आए तो पूरा देश गौरवान्वित हो गया। तस्वीरें देखकर आप भी सल्यूट कीजिए। पंजाब के बाढ़ प्रभावित गांवों में हालात हुए सामान्य। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा 24 घंटे राहत कार्यों पर नजर रखी जा रही है, यह जानकारी पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने दी। चिंतपूर्णी में अब बॉडी कैमरों से लेस होंगे ट्रैफिक कर्मी। माता के चरणों में सबसे पहले हाजिरी लगाने के चक्कर में पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच झड़प की शिकायत भी आती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैमरों से लेस होंगे ट्रैफिक कर्मी। शिमला में भारी बारिश ने फिर मचाई भयंकर तबाही। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी परेशान। रविवार दोपहर बाद हुई बारिश से लाल पानी में भूस्खलन से शिमला रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 घंटे तक बाधित रहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इतिहासकार रोमिला थापर को भेजे गए पत्र से कैंपस का माहौल गर्मा गया है। JNU शिक्षक संघ ने पत्र को राजनीति से प्रेरित और अपमानित करने वाला बताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर अचानक ट्रेन के सामने एक महिला ने कूद जाने के कारण प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैल गई। दोपहर 2 बजे के आसपास जैसे ही प्लेटफॉर्म संख्या 12 से गोमती एक्सप्रेस ट्रेन चलने को तैयार हुई, वैसे ही अचानक एक महिला ने उसके सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे 5 राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।